कि वो डॉग के बारे में बताइए जिसकी चारों टांगे, मतलब क्या हुआ था उसके साथ? वो हुआ ये था, यानी ब्लैक मैजिक वैजिक ऐसा कुछ था जिनके कारण, कोई गांव के था वो, मोहाली के साइड में खरार बोल के एक गांव था पंजाब में। तो उसकी चारों पैर, 30 डेज ओल्ड एक बच्चे की चारों पैर काट के फेंक दिया था, एंड इट वॉज मीराकल कि वो बच गया बच्चा। उसने ठंड में, जनवरी की ठंड में उसको फेंक दिया गया था, एंड वो बचेगा नहीं बचेगा, जिससे पहले इनिशियली रेस्क्यू किया था उसको भी नहीं पता है कि वो बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल इतना ब्लड लॉस हो गया था। 7-8 दिन बाद जब उसने दूध पीना शुरू किया तब बोला कि हाँ अब बच सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई उसके नाम है ब्रेव। ब्रेव ब्रेव वो सच में वो ब्रेव सच है। में ब्रेव है, रियली ब्रेव है। चढ़ती लहरें रंग न पाए क्यों हांपती सी, नाव है तेरी नाव है तेरी नाव है तेरी, तिनका तिनका जोड़ के सांसें क्यों नापती सी, नाव है तेरी नाव है तेरी नाव है तेरी, उल्टी बहती धार है बैरी धार है बैरी, बहती धार है बैरी धार है बैरी, के अब कुछ कर जा रे बंदे। तो काफी लोगों को ये भी कहना है, एनजीओ है, गवर्नमेंट पैसे दे, लोग आके पूछते हैं आप डॉगी उठा के लेकर जा रहे हो, ऐसे मिल रहे होंगे ना। मैंने अपना किया हुआ रेस्क्यू डॉग पे जानने से मना कर दिया था। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लोरा फौना बाय मिशिका। तो आज मैं आपको मिलवाने लेकर आई हूँ मालविका जी से, जो कि वैगिंग टेल फाउंडेशन को रन करती हैं। इनको मैं जानती तो बहुत सालों से हूँ, बट मैं मिल इनसे पहली बार रही हूँ और इनसे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि मैंने जब इनको जानना शुरू करा था तो इन्होंने एक डॉग को रेस्क्यू करा था जिसकी चारों टांगे काट दी गई। तो इस बारे में भी हम जानेंगे उनसे कि क्या हुआ था ऐसा। और कुछ टाइम पहले, आज से 1.5 महीने पहले, मैंने एक डॉगी रेस्क्यू करी थी जिसमें सस्पेक्ट था मुझे कि उसको डिस्टेम्पर है, क्योंकि उसके आई और नोज में डिस्चार्ज हो रहा था। तो मैं आज उसी को वापस ले जाने के लिए आई हूँ। तो मैं मिलवाती हूँ आपको मालविका जी से और उस डॉगी से भी जिसको मैं वापस ले जाने आई हूँ। गाइस, ये हम आ गए हैं वैगिंग टेल फाउंडेशन में। बहुत ज्यादा गर्मी है यहाँ पर। गाइस, कितनी प्यारी पेंटिंग बना रखी है, सारे वाटर बाउल रखे हुए हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखे हुए हैं? नहीं, ये हमारी खुद की जगह पे कुछ भी, क्योंकि चलते चलते ये भी तोड़ देते होंगे, मेरे तो बहुत तोड़ते हैं। मेरे वाले क्या करते हैं, मस्ती करने लग जाएंगे पानी में कूद कूद के। आराम से बैठिए मिट्टी में, मिट्टी थोड़ी ठंडी होती है ना। उल्टा होके सो रहा है वो। कोई बात नहीं, थोड़ा पानी। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है, बहुत क्लीन है आपका। कोशिश करती हूँ रखने के लिए। अच्छे से आपने मेंटेन किया हुआ है। ये पैरालाइज सेक्शन है। हाँ। ये कंटेनर में दोपहर में हम लोग चले जाते हैं सारे पैरालाइज। हाँ। बच्चे एसी चला देते हैं, ये बेचारा भी आराम से यहाँ पे बैठे रहते हैं। अब जाए थोड़ा सा सनसेट हो जाएगा। हाँ। तो बाहर आ जाएंगे, यहाँ पे घूमते रहेंगे और ये चला जाएगा बाहर, पूरे एरिया में घूमते रहते हैं। ये अभी सारे अंदर है, सारे अंदर है, इसी में सही है। और ये वाला, ये जो नए आते हैं पहले आप यहाँ पे रख दो। हाँ, थोड़ी यहाँ पे रहते हैं, फिर ब्लड टेस्ट वगैरह हो जाते हैं। हाँ। और अगर छोटे बच्चे हैं, नॉर्मली छोटे बच्चे हो तो थोड़ा उनको भी आइसोलेट करके रखते हैं इधर। पेंटिंग भी बहुत अच्छी है यहाँ पे। ब्लड टेस्ट वगैरह हो जाते हैं। हाँ। फिर अंदर चले जाते हैं, जिनका जो भी ट्रीटमेंट होता है फिर हमारे ट्रीटमेंट रूम पे होता है। ये हमारी छोटी ऑफिस है। आज एक्चुअली सर्जरी हो रहा है, डॉक्टर आए हुए हैं।
अच्छा सर्जरी हो रही है। ये हमारी ट्रीटमेंट रूम। कैट आई हुई है ट्रीटमेंट के लिए। ये पैरालाइज कैट है। और यहाँ पे कैट रूम है, बेड भी बनी हुई है। हाँ अभी वो गर्मी में सो रहे हैं। ये सारे डॉग्स ना यहाँ पे सोए हुए हैं, बहुत आराम से आराम कर रहे हैं। देखो उल्टा पुल्टा हो रखा है। टेंपरेचर भी ऑलमोस्ट 48 के आसपास है, तो सोने दो। तो अभी मैं अंदर जाके इनको ना तंग नहीं करती। ये देखो ये उल्टा पुल्टा होके सो रखा है, इसके प्लास्टर हो रखा है। वो सबसे एजेड है अभी तो कोने में, ये ब्राउन वाला। हाँ ये 31 मार्च 2022 में आया था, एंड उसको लगा था कि अभी मरी जाएंगे 2-4-5 दिन में। तो अभी हमने उसके 2 साल कंप्लीट का बर्थडे भी मनाया उसका। ओए नो नो नो, गुच्छा नहीं बेटा, सबके लिए अरेंजमेंट है, कूलर एसी का सब अरेंजमेंट है यहाँ पर। बहुत खुश हो रही होती हैप्पी हैप्पी। इधो अभी नहीं, यहाँ पे कूलर चल रहा है। हाँ ये भी ओल्ड लग रही है गुलशन को। हाँ बहुत ओल्ड है, 1000 यार्ड्स का पूरा एरिया है। साफ हो गया है ऑलमोस्ट। ये ओटी है, मतलब डॉक्टर यहाँ पर आके खुद मतलब सर्जरी वगैरह करके जाते हैं। ABC अभी तो करके गया। तो गाइज ये है मालविका मैम। हेलो। और मैं इनको काफी टाइम से जानती हूँ, जब से हम फेसबुक पे फ्रेंड बने हैं। और तब उस टाइम पर ना इनके पास एक डॉग होता था जिसकी चारों लेग्स नहीं थी। अभी भी है, अभी भी है। वो काफी एज का हो गया होगा, अभी हो गया 6 साल का हो गया है वो। मतलब जब ये इंसिडेंट हुआ था, जब वो पपी लेकर आए थे, पपी हुड में ही आया ना वो, तो मैं तब से मैम को फॉलो कर रही हूँ, तब से मैं इनको जानती हूँ। और आज मैं मिल पहली बार रही हूँ 6 साल में पहली बार। फोन पे बहुत बार हुआ है। हम लोग विंकी मार्ट से ऑर्डर कर रहे हैं, किसी को हम ये भी दे देते हैं कि अच्छा पोर्ट कहाँ से लेना है, विंकी मार्ट से ले लेना है या कॉलर लेना है, तो विंकी मार्ट का दे देती हूँ। बट हाँ फोन पे बहुत बार बातचीत हुआ है। तो गाइस आपको भी कभी कुछ ऑर्डर करना हो, कॉलर्स कोट्स या फिर वेडिंग ड्रेसेस, तो आप विंकी मार्ट पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमसे। प्रमोशन कर रहे देखो जहाँ मिले वही प्रमोशन कर दो। आपके विंकी मार्ट का प्रमोशन हो रहा है। ना इससे आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं। थैंक यू। हम तो बहुत यूज करते हैं तो हम जानते हैं। तो आपके मन में मतलब ऐसा क्या आया कि आपने एनजीओ ही खोल डाला और इतना सुंदर एनजीओ खोला है? थैंक यू सो मच। ऐसा कुछ नहीं था, जब मेरे एक ब्रीडर रेस्क्यू डॉग था उजैन, ब्रिटेन था वो। She was gorgeous. तो 2.5 years old में उसका डेथ हो गया था, एंड डिसम्बर में डेथ हुआ था उसको। इतना पता नहीं था, इतना रिसर्च नहीं किया था, बस आउट ऑफ लव पेट था वो मेरे पास। तो उसकी हुआ था स्किन इन्फेक्शन था, तो डॉक्टर ने कहा था फर्स्ट ईयर की सारी वैक्सीन हुआ था, सेकेंड ईयर में वैक्सीन उन्होंने बोला अभी मेडिसिन चल रही है, वैक्सीन नहीं करते हैं। वो वॉक पे जाता था, लंबा वॉक, बड़े ब्रीड होते थे, सुबह 5-6 किलोमीटर वॉक, शाम को 5-6 किलोमीटर वॉक में जाते थे। एनी हाउ कहीं से उसको बॉडी में आ गया, तो डिसम्बर में उसको डेथ हो गया था। एंड पूरे लाइफ जिया नहीं 2.5 years में, फर्स्ट टाइम पेट एज ए पेट पेरेंट पेट का डेथ देख रही हूँ। इट वॉज नाइटमेयर टू मी। तो वो था शुरुआत। तो उसके बाद
यहाँ पे भी देखती थी, डॉग देखती थी, कैट देखती थी, कुछ भी देखती थी, एकदम से लगता था क्या करूँ इनके लिए, क्या कर सकता हूँ। वो स्टार्ट हुआ फीडिंग में, फिर फीडिंग से थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया बीमारी का, स्टरिलाइजेशन का, ईच एंड एवरीथिंग का, वैक्सीनेशन का। फिर जहाँ हम फिट करती थी वहाँ पे वैक्सीनेशन स्टरिलाइजेशन सब करना शुरू किया था। देन ड्यूरिंग लॉकडाउन बहुत ज़्यादा मेरी फीडिंग एरिया बढ़ गया था, बहुत जगह बंद हो गया था, आस्था पार्क, आस्था कुंज पार्क, ईस्टर पैलेस की कम्युनिटी जो सेंटर है वहाँ पे, ये सब जगह पे मेरे इतना फीडिंग पॉइंट बढ़ गया था। तो उससे पहले तो खुद की पॉकेट से हो जाता था, बट उसके बाद नहीं हो पा रहा था। देन इंडिविजुअली डोनेशन मांगना थी, तो मतलब मुझे लग रहा था कि इट इज़ लाइक लोगों को लगता ही है कि इंडिविजुअली किसको दे रहे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, बट एज ए रजिस्टर्ड चैरिटी लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है, वी कैन डोनेट हियर। तो पहले हम लोग मानसी से, ड्यूरिंग दैट टाइम मानसी से मिला मैंने, जो मेरी को फाउंडर है। ओके मानसी से मिला, तो इनिशियली मानसी ने बोला ओके दीदी आई विल ट्राई टू फंड रेज फॉर यू और आई विल हेल्प यू, बट वो भी इतना मतलब प्यार में आ गया डॉग की और जो भी है पेट्स की। तो फिर हम बोले कि चलो शुरू करते हैं, एक रजिस्टर करते हैं पहले चैरिटी को। तो रजिस्टर होने के बाद ये हुआ कि हमारी रेस्क्यू बहुत बढ़ गया था, बढ़ गया था कि वो पेंडेमिक में सबको ही बढ़ा था, नॉट ओनली मी, बहुत सारे लोगों को, आपको भी कुछ फीडिंग पॉइंट ज़्यादा ही हो जाते हैं, हो गया था सबको जो जो ये काम करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट बोर्डिंग में रखा था, तो वो ही दिमाग में चला कि हमारा खुद की जगह हो तो फिर हमारे अपने डॉक्टर रह ही सकते हैं। दिमाग में अपना डॉग लेके सोचा था खोल लूँ जगह, फिर जब शुरू किया तो लोगों ने भी भरोसा दिखाया कि नहीं यू कैन डू इट बेटर, तो बस उसके बाद शुरू किया ये। तो बहुत अच्छा किया आपने। तो मतलब आप और आपके को फाउंडर मानसी ये रन करते हैं? हाँ जी, आप दो लोग? दो। वेरी गुड। और आपका तो मुझे पता ही है, आप कितनी अच्छी केयर आप देते हो, क्योंकि उसके साथ कोशिश करती हूँ, नहीं बोल सकती हूँ कि देती ही हूँ, बट नॉट ओनली मी, मैं और मानसी तो हुई, बट मेरा इंटर टीम जो भी मेरा स्टाफ है, सारे स्टाफ डॉग से प्यार करते हैं, डॉग के काम मन से करते हैं, तभी मैं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं तो बस दिखा सकती हूँ, बोल सकती हूँ, बट करना तो उनको है ना। बिल्कुल। तो इट्स नॉट ओनली मी एंड मानसी, इट इज एंटायर टीम ऑफ रनिंग टेस्ट। बट डिस्टेंपर के डॉग को ठीक करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसमें सर्वाइवल चांसेस बहुत कम होते हैं। और मेरा खुद का डॉग ठीक हुआ है, जिसको मैं लेने आज यहाँ पर आई हूँ। हाँ, हम लोग डेफिनेटली अगर आप होप ही छोड़ देंगे, कोशिश ही नहीं करेंगे, तो फिर वो होता ही नहीं है। बिल्कुल। बट आप अगर एटलीस्ट 1%, 2%, 3% होप रखो, बिलीव रखो, और जो चीज चाहिए होता है उसको, अगर हम, हमारा कोविड होता है, हम होप तो छोड़ते नहीं कि हम मर जाएंगे, कैंसर होते हैं हम छोड़ते नहीं मर जाएंगे, कुछ ट्राई तो करते हैं, तो व्हाई नॉट फॉर देम, तो हम ट्राई करते हैं, और जिनके नसीब में होता है वो जी भी जाते हैं, बाकी सब अपनी किस्मत लेकर आते हैं। वो तो है, बाकी किस्मत लेके आते हैं, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि इतने तक देखे हैं जिनके बिल्कुल चांसेस नहीं थे सर्वाइवल के, और वो मैं बहुत अच्छे थे। हाँ, मेरे पास ही है, क्योंकि मेरे डॉग को 6 साल पहले मेरे फर्स्ट जो डिस्टेंपर सर्वाइवर था, डॉक्टर ने बोला था पुट डाउन कर दो। हाँ। और मैंने नहीं करा था, मैंने बोला फिट्स नहीं आ रहे, नर्वस टैंग नहीं आ रहे, मैं नहीं करूँगी। लगा था 2 मंथ्स मैंने उसका ट्रीटमेंट कराया था, एंड आज तो ट्विचिंग भी नहीं है उसको, इतना हेल्दी है वो। और यहाँ पे भी कोई डॉग ऐसे आया था कि मिट्टी मिल जाएगा, मतलब लास्ट में ब्रीड चल रहा है, मिट्टी मिल जाएगा, वो चल रहे हैं, चल भी रहे हैं, हेल्दी है, हो गया है 2 साल 3 साल, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो मैं एम वेरी पॉजिटिव पर्सन, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, मैं इतने जल्दी होप नहीं छोड़ती हूँ कि हाँ हो जाएगा। एज ए ह्यूमन सबको होता है गुड डे बैड डे, हमारा भी होता है, एनिमल्स के भी होता है, बट दैट डजंट मीन कि तुम होप छोड़ दो। और इस लाइन में तो होप रखनी होगी, क्योंकि वो अपने मुंह से बता नहीं सकते, बता नहीं सकते हमें है, एग्जैक्टली हमें जानना पड़ता है कि एग्जैक्टली उनको प्रॉब्लम क्या है, वही सबसे बड़ी चीज है, मुझे वो अच्छा लगता है। एंड उनके मुंह से थैंक यू तो नहीं निकलते, बट उनकी जो अनकंडीशनल लव है, अगर वो समझ सके तो वो समझ लें बस। अभी आपके, सो फ्रेंड्स, ये जहाँ पे अभी हम बैठे हैं, ये एक अलग यूनिट है जहाँ पे बाकी सारी बीमारी के डॉग्स आते हैं। अभी जो डिस्टेंपर वाले डॉग्स है उसकी बिल्कुल अलग यूनिट है, क्योंकि हम बाकी डॉग्स को डिस्टेंपर वाले डॉग से नहीं मिलवा सकते, वो
जो डिस्टेम्पर है वो बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, एक डॉग से दूसरे डॉग्स में वो आराम से फैल सकता है। तो यहाँ पे मैम आपके पास कितने डॉग्स हैं? मेरे यहाँ पे अराउंड 250 डॉग्स है। यहाँ पे नॉर्मल हम लोग एबीसी सर्जरी होते हैं, ट्यूमर सर्जरी भी होते हैं, हमारी प्रॉपर ओटी है और उसमें सारे सर्जरीज होते हैं। एंड बाकी जैसे किडनी डिजीज के लिए होते हैं, जॉन्डिस के लिए होते हैं, ये सब बीमारी के लिए भी आते हैं, किसी को केमो चलता है, टीबीटी है, वो भी रहते हैं, तो ये सारी बीमारी के लिए यहाँ पे है। एंड बाकी डिस्टेम्पर ये थोड़ा रहते हैं। और मतलब इतने सारे डॉग्स को, इतने सारे एनिमल्स को संभालने के लिए आपने कितना स्टाफ रखा हुआ? मेरे अराउंड 25 स्टाफ है दो सेंटर में। एंड दे ऑल आर एनिमल लवर? एनिमल लवर मैं इनिशियली तो बहुत सारे जो यहाँ पे लड़के हैं बोलते हैं कि इससे पहले तो हमने कभी डॉग नहीं पकड़ा मैम, आपके इधर आके आपको देख देख के सीख गया इतना कुछ। हाँ दे बहुत सारे है ऐसे लड़का, बट पहले जब शुरुआत में आए थे हमें सिखाना पड़ता है, ऐसा नहीं कोई एकदम सीख के आते हैं, बट आराम से सारे सीख गए जो भी आप काम करते हैं। दे आर वेरी गुड द डॉग हैंडलिंग एंड एवरीथिंग, मतलब कोई एग्रेसिव आ जाए, कोई प्यारा जो प्यारा है उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है, बट कोई एग्रेसिव भी डॉग आते हैं उसको कैसे हैंडल किया जाता है। तो और ट्रीटमेंट करने के बाद आप वापस रिपोर्टर को बोलते हैं कि उसकी हाँ डेफिनेटली जो जा सकते हैं लोकेशन पे उसको हम भेज देते हैं, जो नहीं जा सकते जैसे हमारे स्पेशली बहुत सारे डिसेबल डॉग हैं जैसे पैरालाइज हो गया, ब्लाइंड हो गया, तो वो तो रोड पे नहीं जा सकते, ओल्ड एज बहुत डॉग है वो रोड पे नहीं जा सकते, तो लास्ट जो भी टाइम उनके है ओल्ड एज डॉग के लिए इधर है, पैरालाइज डॉग तो जा ही नहीं सकते उनके लिए भी यहाँ पे है, मन रहे कि पैरालाइज के लिए थोड़े बड़े सेक्शन करूँ, बाकी तो देखते हैं कितना होगा एक दिन जरूर होगा, जो सोच लेते हैं वो होता है, बस कुछ लोगों का सपोर्ट चाहिए क्योंकि विदाउट फंडिंग कुछ भी नहीं होता, अगर फंडिंग होती है तो लोग करने वाले बहुत हैं जो करना चाहते हैं और होता भी है। तो काफी लोगों को ये भी कहना है एनजीओ है गवर्नमेंट पैसा देती है सबको है, मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि एनजीओ इज नॉट गवर्नमेंट फंडेड, एनजीओ इज नॉन गवर्निंग बॉडी, यू कैन से मोस्टली लोग यही सोचते हैं एनजीओ मतलब गवर्नमेंट का ही है, ना गवर्नमेंट का नहीं है, ये रजिस्टर्ड होता है, रजिस्टर्ड मींस आप अगर डोनेट करते हो आपको अगर टैक्स की कोई बेनिफिट चाहिए होता है वो बेनिफिट आपको मिलेगा, ये गवर्नमेंट फंड के लिए कोई बात ही नहीं होता है कि गवर्नमेंट देते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट अगर देना है तो आपने बॉडी बना लेंगे उनकी, अपने चला लेंगे वो क्यों हमें देंगे, वो अपना बना लेंगे ना। काफी लोग तो मेरे से पूछते हैं जैसे अभी मैंने स्टरलाइजेशन ड्राइव चला रखी है, तो लोग आके पूछते हैं आप डॉगी उठा के लेके जा रहे हो, ऐसे मिल रहे होंगे ना? हाँ आई नो हमें भी बोलते हैं ऐसे क्या आपको ये गाड़ी लेके, अच्छा आपको यहाँ से गाजियाबाद गए थे हम लोग वहाँ पे बड़ा सलाम एरिया है वहाँ पे थोड़ी कुछ रेस्क्यू के लिए, तो बोलना शुरू किया कि अच्छा तो 700 रुपये में तो हो ही जाता है ना, ऑल द वे गुड़गांव टू गाजियाबाद 700 रुपये में एम्बुलेंस तो होता नहीं है, प्राइवेट होता है सब कुछ, एंड सब कुछ उनको भी देना पड़ता है, हमें गवर्नमेंट फंडेड कुछ नहीं होता है, एक मेडिसिन भी खरीदना होता है जो हम सर्जरी करते हैं, सर्जरी की सूचर से लेके डॉक्टर की सूचर की कितनी कॉस्ट आती है? बहुत कॉस्ट आती है सूचर की, सबसे महंगा लोग कहते हैं नहीं वो तो सिर्फ धागा है, वाओ सुई का धागा सुई का बोलो वही डोनेट कर दे, हम बिल दे देते हैं आप डोनेट कर दो उसी को, मेरे को काफी लोगों ने बोला एक धागा ही तो यूज कर रहे हैं तो उसकी क्या, उसकी 2-4 रुपए कॉस्ट है ना, वेरी कॉस्ट, 1000 रुपए लेते हैं, वेरी कॉस्टली, वो कॉस्टली होते हैं क्योंकि सूचर के लिए सब में मेथ है कि वो नॉर्मल धागा होता है और उसी से बस स्टिच कर देते हैं, नॉर्मल नहीं होते हैं जो इंसान की यूज होता है, जैसे हमारा सर्जरी होता है जो सूचर यूज होता है सेम उनके लिए यूज होता है, जो हमारे एनेस्थेसिया यूज होता है सेम एनेस्थेसिया उनको यूज होता है, अगर किसी को ये गलत समय कुत्ते हैं कुछ भी यूज होता है ऐसा नहीं होता है, प्रॉपर हमारे जैसे मेडिसिन यूज होते हैं उनके लिए भी इतने प्रॉपर मेडिसिन यूज करना होता है तब जाके ठीक होता है, ये अगर आपको भी लगता है ना कि वो नॉर्मल धागा होता है तो वो नॉर्मल धागा नहीं होता, सूचर से स्टिच लगता है और वो डिफरेंट होता है, जैसे इंसान की होते है वैसे ही होता है, अब आपके अगर चोट लगे तो उस पे नॉर्मल धागे से धागा लगा दे तो वर्क नहीं करेगा वो भी करेक्ट। और आप मतलब आपने ये कब से शुरू करा, जैसे आपके पास ऑलरेडी रेस्क्यू डॉग था
एनजीओ तो आपने 2020 में रजिस्टर करा, ये जगह मैंने 2021 अक्टूबर में स्टार्ट किया। पर इससे पहले भी आप करते थे? हाँ, डिफरेंट डिफरेंट बोर्डिंग में रहते थे, फीडिंग, स्टेरिलाइजेशन ये सब करते थे। वो कब से कर रहे हो आप? वो 2016 में, मतलब उस टाइम पे ऐसा क्या हुआ जो आपने शुरू करा? 2016 में तो मेरी डॉग का डेथ हुआ था। वो पेट डॉग थी? हाँ, मेरे पेट डॉग था, ब्रीडर रेस्क्यू था वो। ओके, तो उसका डेथ हुआ, तो उसके बाद वो ही शुरू किया था, तभी थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ना शुरू किया। बचपन में भी था मेरे घर के सामने वो प्यार, तब भी था, बट कितना करना चाहिए था, क्या क्या करना चाहिए था, इतनी नॉलेज नहीं थी। वो सब नॉलेज आई डोंट थिंक कि हमें करते करते मिलता है, सबको होता ही नहीं है ये। मुझे जितना भी करते करते देखा, सबको मैंने एक ही चीज सुना कि पहले तो ये पता ही नहीं था, स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, वैक्सीन कब होना होता है, ये सब हमारी पहले डॉग आने के बाद हमने ये सब सीखना शुरू किया। तो मेरे साथ भी वही था, बचपन में देखा, खाना दे देती थी, ये सब करते थे, बट क्या स्टेरिलाइजेशन होता है वो नहीं पता था, वैक्सीनेशन नहीं पता था। जब हमारी पेटों का है तो वैक्सीनेशन की पता चला, बट जैसे डॉक्टर बोलते थे उसी को फॉलो करते थे, बट उसमें जो होना था तो वो हो ही गया था। बट उसके बाद भी खुद की खुद रिसर्च किया था कि कितना तक, कभी कभार डॉक्टर भी इंसान है बोलते हैं, बट कभी कभार हम कितने दूर तक कर सकते हैं, हमें भी अपने ऊपर, क्योंकि हम लोग कभी कभी होप छोड़ देते हैं तो फिर सब कुछ खराब ही हो जाता है। तो गाइस, यहाँ पे ना मेरी गोदी में एक छोटू सा डॉगी भी बैठा है, ये छोटू सा। इसकी ना लेग पर कोई गाड़ी चढ़ा गया है, इसके पैर में लग गई है, ये आराम से सो रहा है यहाँ पर मजे से। और आपके वो डॉग के बारे में बताइए जिसकी चारों टांगे, मतलब क्या हुआ था उसके साथ? वो हुआ ये था, यानी ब्लैक मैजिक वैजिक ऐसा कुछ था, जिनके कारण कोई गांव के था, वो मोहाली के साइड में खरार बोल के एक गांव था पंजाब में, तो उसकी चारों पैर में 30 डेज ओल्ड एक बच्चे की चारों पैर काट के फेंक दिया था, एंड इट वॉज मीराकल कि वो बच गया बच्चा। उसने ठंड में, जनवरी की ठंड में उसको फेंक दिया गया था, एंड वो बचेगा नहीं बचेगा, जिससे पहले इनिशियली रेस्क्यू किया था उसको भी नहीं पता है कि वो बचेगा कि नहीं बचेगा, जिससे इतना ब्लड लॉस हो गया था। 7-8 दिन बाद जब उसने दूध पीना शुरू किया तब बोला कि हाँ अब बच सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई उसके नाम है ब्रेव। ब्रेव ब्रेव वो सच में ब्रेव, वो सच में ब्रेव है, रियली ब्रेव है। चढ़ती लहरें रंग न पाए क्यों हांपती सी नाव है तेरी, नाव है तेरी, नाव है तेरी, तिनका तिनका जोड़ के सांसें क्यों नापती सी नाव है तेरी, नाव है तेरी, नाव है तेरी, उल्टी बहती धार है बैरी, धार है बैरी, बहती धार है बैरी, धार है बैरी, के अब कुछ कर जा रे बंदी। Now he 6 years old, मेरे पास ही है वो। सही है, उसने मतलब अपनी पूरी लाइफ आपके साथ में पूरा निकाल दिया, और ऑब्वियसली उसकी टेक केयर करने में पूरा आपका सपोर्ट रहता होगा क्योंकि उसकी चारों टांगे नहीं है। हाँ, मतलब उसको वो खुद से वॉक नहीं कर सकता, उसको सुसु पॉटी एंड ऑल सब देखना पड़ता है। उसको बहुत इनिशियल बहुत केयर की जरूरत था, अभी तो बहुत मतलब सुसु आए या पॉटी आए कैसे आवाज करके इनको समझाना है वो कर भी लेते हैं, पीपेड रहता है तो पीपेड में जाके सुसु भी कर लेता है, टाइम हो मतलब समझ में आ जाता है, क्योंकि हो गया उसका 6 ईयर्स, अभी तो इतने ज्यादा नहीं कंट्रोल आ गया ब्लडर पे, बट इनिशियली जब 30-40 डेज में मेरे पास आए थे उस टाइम तो कोई ब्लडर कंट्रोल नहीं था, दिन में इतने सुसु इतने पॉटी, और खाना उसको बहुत हिसाब से दिया जाता है क्योंकि उसको बहुत वेट हम बढ़ा नहीं सकते हैं, सो दैट वो क्रॉल नहीं कर पाएगा। अभी क्रॉल करता है, क्रॉल करते हैं, प्रॉपर क्रॉल करते हैं, मतलब वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आराम से पूरे घर में, पूरे घर में, पूरे घर में वो कर लेता है, वो आपकी ही मेहनत है, उसका भी ब्रेवरी है, उसकी किस्मत है, वो अपनी किस्मत ये लोग अपने आप लिखवा कर आते हैं कि इनको कहाँ तक जाना है, तो है, और ये हम इनको नहीं चूज करते, ये हमें ऑफ कोर्स मेरे पास यहाँ पे एक डॉग है गुन्नू,
हाँ उसको भी अभी निकालूंगी मैं। वो मैंने बोलते वो मुझे अडॉप्ट किया है, मेरे घर के सामने उसको किसी ने छोड़ दिया। वो मेरे पीछे पीछे हर जगह जाती थी और मेरे घर के सामने आके बैठता था। कभी घर के अंदर आना तो वो स्क्रैच करता था, घर में आके सामने बैठ गया, थोड़ा खाना पीना खाए, फिर उसको जाना है तो फिर खरोच मार के जाते थे। तो देन उसको दो दो बार रिलोकेट किया, देन माई जब मैंने हाउस शिफ्ट किया तो मैंने बोला नहीं मैं तुझे मैं छोड़ नहीं सकती, तो मेरे साथ ही चल ले। आपके पास घर पे कितने हैं? अभी तो घर पे कम है, मेरा टोटल 12 डॉग है। उसमें घर में 12 डॉग है और कह रहे कम है, अभी कम है। तो अभी एक डॉग का मेरा डेट हुआ है रिसेंटली, क्या 4-5 महीने हो गया, वन ऑफ द सेवन इसको फिक्स आया। ये जो ओल्ड लैबो ये भी मेरी है, जी से बाहर घूमने गया है। वो बिल्कुल घर में लेथार्जिक बैठा होता था अपने, हाँ। यहाँ पे एटलीस्ट चलता है, फिरता है, घूमता है, उसने आते ही मेरे से अटेंशन मांगी है, मुझे प्यार करो, अटेंशन सीकर है वो। मतलब मेरे पास डॉग ही मेरे पास है। अच्छा, वो कितने साल की है? वो 11 प्लस है, 11 प्लस है। तो बाकी आपका आगे का क्या प्लान है, मतलब आगे और क्या क्या करते हैं? इतना प्लान तो नहीं करती हूँ, बट कोशिश करती हूँ जहाँ पे एटलीस्ट रेस्क्यू और कोशिश करते हैं और हेल्प नहीं मिलते वहाँ पे हेल्प पहुँचाने के लिए, एटलीस्ट कुछ नहीं कर सकते तो स्टेबलाइजेशन में तो हेल्प कर दूँ। बाकी चीज़ का तो मैं नहीं बोल सकती कि मैं फीडिंग करा दूँ, मैं ये करा दूँ, क्योंकि सबका लिमिटेशंस होते हैं, रिसोर्सेज भी होते हैं, वो भी लिमिटेशंस होते हैं। तो बट मैं कोशिश करती हूँ जो भी इंटीरियर एरिया है, रिमोट एरिया है, जहाँ पे वेट की फैसिलिटीज ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे हम लोग एटलीस्ट स्टेबलाइजेशन के लिए कुछ हेल्प करें। कितना कर पाऊंगी, इतना जोर डालती हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए है, पहली बात तो हमारे जो देश है इंडिया मैक्सिमम रूरल एरिया है, अर्बनाइजेशन बहुत कम है, और अगर है भी लोगों में एजुकेशन कम है फॉर एनिमल्स के लिए। तो अगर मतलब पप्पीज से पप्पी हो जाए और उस पर पार वो डिस्टेंस पर यही हमें देखना है, तो बेटर है कि स्टेलेशन में पॉपुलेशन कंट्रोल करें, क्योंकि यहाँ पे लोगों को अभी भी मैक्सिमम कुछ तो डेफिनेटली मैं बोलूँगी चेंजेस हुआ है, बट इतना चेंजेस नहीं है कि जितने पप्पी होंगे उतने एडॉप्शन हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, तो अभी भी ब्रीड डॉग के पीछे लोगों की अभी भी इंटरेस्ट है, एंड तब तक है जब तक वो बेचारे अच्छे से हेल्दी है, राइट। बस ऐसे ही हेल्थ डिटोरिएट करता है तो तुम्हारे शौक, तुम्हारी जीवन में प्यार सारा निकल जाते हैं और वो रास्ते पे अबंडन हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए चाहता हूँ कि जितनी इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे, जो लोग काम कर रहे हैं उनका भी तो रिसोर्सेस लिमिटेशन ही होते हैं। आप 50 को खिला सकते हो बट 500 को खिलाने में आपको प्रॉब्लम होगा, राइट। बट आप वो ही पॉपुलेशन 50 में रखो तो आप उनको अच्छे से केयर कर सकते हो। सो है मैं थोड़ा रिलेशन में जोड़ देती हूँ कि एटलीस्ट पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेंगे तो आप देखभाल भी अच्छे से कर सकते हैं। तो गाइस मेरे सोसाइटी में आज से 5 साल पहले मैंने सारे डॉग्स का स्टरलाइजेशन कराते थे, टोटल 35 डॉग्स थे, आज की डेट में वो कम हो गए हैं, 28 डॉग्स हो गए हैं, जिनमें कुछ नए आए हैं और जो बूढ़े होते गए ना वो धीरे धीरे जाते गए। और मेरी सोसाइटी में जितने भी डॉग्स हैं ना वो पार्शली अडॉप्टेड है बाय माय नेबर्स, उन्होंने गर्मी में सर्दी में उनको जगा देते हैं, पानी रखते हैं, उनके लिए खाना रखते हैं, क्योंकि वो नंबर सब लिमिटेड है, वो बढ़ते नहीं जा रहे। अगर वो बढ़ते जाएंगे तो वो फिर नहीं करेंगे, वो कहेंगे इतने पपीज हो रहे हैं। एग्जैक्टली, मदर थोड़ा पोजेसिव होती है अपने पपीज को लेकर, ऑब्वियसली वो बाइट करेगी, जब वो बाइट स्पेशली जो अननोन पर्सन होगा, राइट। फिर वो जब डॉग बाइट करता है तो देखो चाहे जेन्युइनली बाइट करे, जैसे स्पेशली जो डिलीवरी बॉय आते हैं वो तो रोज नहीं आएंगे, उनको करेंगे क्योंकि वो जानते नहीं है, राइट। तो ये चीज भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि खाना पानी मिलेगा तो वो भी शांत रहेंगे, बाइट नहीं करेंगे। मोस्टली जो डॉग्स को खाना पानी मिलता है वो नहीं बाइट नहीं करते हैं, और अगर कोई डॉग बाइट कर रहे हो उसको सच में खाना पानी नहीं मिल रहा, जिस वजह से वो फ्रस्ट्रेट है, या तो कोई मार रहे हैं, ट्रॉमाटाइज है उसके, कुछ तो ट्रॉमा होगा, पास ट्रॉमा तब भी होता है, क्योंकि जैसे पपीज होते हैं गाड़ी वाले चढ़ा के चल देते हैं, बाइक वाले चढ़ा, जैसे अभी मेरी गोदी में जो मैंने आपको दिखाया उसके ऊपर भी बाइक चढ़ा दी थी, और इसकी मदर को अगर देखा है तो मदर तो वो बाइक के ऊपर थोड़ा सा एग्रेसिव होंगी, कोई भी माँ होगी अगर उसके बच्चे को कुछ करा जाएगा तो माँ तो बच्चे के लिए फिर आएगी सामने।
चाहे वो इंसान की माँ हो चाहे वो जानवर की माँ हो, नेचुरली। गाइस ये है मालविका मैम का फिल्टर वैगिंग टेल फाउंडेशन और पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा है। अभी मैं दूसरे सेंटर जाने वाली हूँ अपने जो डॉगी को मैं पिक करने आई हूँ उसको पिक करने के लिए, क्योंकि इधर से उधर थोड़ा जाना, मतलब मैम के यहाँ पे और भी लोग आने वाले हैं, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, बाकी सबको भी टाइम देना है। तो देखते हैं वहां से उस डॉगी को लेते हैं और फिर चलते हैं उसको रिलीज करते हैं। एंड थैंक यू सो मच उसका टेक केयर करने के लिए और उसको प्रॉपरली ठीक करने के लिए। वही हमारा काम। ये डिस्टेम्पर यूनिट है, यहाँ पे सारे डिस्टेम्पर के डॉग्स हैं। तो गाइज मैं यहाँ पे अपना डॉगी पिक कर रही हूँ और फिर मैं जा रही हूँ, क्योंकि थोड़े से खुराफाती डॉग है ये, भागने का डर रहता है, मैं फटाफट से निकल जाऊंगी। तो गाइज मैंने अपना किया हुआ रेस्क्यू डॉग पहचानने से मना कर दिया था। रीजन ये था, जिस कंडीशन में मैंने इसको रेस्क्यू करा था ना उसकी वीडियो में अटैच कर रही हूँ, आप देखो इस कंडीशन में मैंने इसको रेस्क्यू करवाया था और अब आप देखो ये बिल्कुल ही हेल्दी हो गई है, जिस वजह से मैं खुद पहचानने में इसको भूल कर गई कि ये वही डॉग है जो मैंने भेजी थी। तो अब इसको हम लेकर जा रहे हैं इसको वापस लेकर। ओके बोलना। दोस्तों इसको मैंने वापस इसकी लोकेशन पे रिलीज कर दिया है जहाँ से पिक किया था। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, ये वो डॉग्स होते हैं जो मेरी बिल्कुल आंखों के सामने आ जाते हैं तो मैं उनको छोड़ तो नहीं सकती, मुझे पता है वो बीमार है तो मुझे उनको रेस्क्यू करके शेल्टर भेजना ही पड़ता है। और मैं जिम्मेदारी थोड़ा निभाती हूँ कि जो भी डॉग मैं अगर शेल्टर भेज रही हूँ तो उसके ट्रीटमेंट में जो भी पैसा लग रहा है मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि उसके लिए मैं पूरे पैसे उनको दूँ। अगर मेरी पॉकेट अलाउ नहीं करती तो मैं कोशिश करती हूँ अपने जानने वालों से थोड़ा फंड रेज करके उनको दिया जाए, क्योंकि कोई भी शेल्टर विदाउट फंडिंग नहीं चल सकता, हर एक डॉग का इलाज करवाना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप भी कोई भी डॉग भेजते हैं शेल्टर तो कोशिश कीजिए अपनी तरफ से जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए। बाकी आपको मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही जगह पर मैं आपको और ले जाती रहूँगी। Thank you for watching my video.